हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा से द्विती चंद्र साहू, जो पहले एक पत्रकार हुआ करते थे, एक हॉकर हुआ करते थे, और अब वो एक उन्हें आज नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी जो जर्नी रही है वो कितनी संघर्ष भरी रही है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। हमें बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है वो कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितनी चुनौतियाँ रही हैं? मेरा जीवन तमाम चुनौती है। हम बहुत माने पॉवर्टी फैमिली से हम हैं, हमको खाने के लिए नहीं मिला था, हम पढ़ने के लिए नहीं मिला था, पढ़ने का संघर्ष किया था। और जब हम मैट्रिक पास हुआ तो कॉलेज पढ़ने के लिए हमारा पैसा नहीं था। घर में बाप गुजर गए थे, मेरे माँ था, मेरे माँ ने इधर उधर काम करके हमको बढ़ाया, लेकिन उनको उन्होंने ये पढ़ने को रुकने नहीं दिया। मैंने पेपर बेचा अपनी पढ़ाई के लिए, घर घर बेचा, जिससे कमीशन मिला था वो कमीशन से हमने 2 घंटे पेपर बेचा, घूम घूम के चल चल कर बेचे, और उसके बाद हमने कॉलेज को जाते थे वो पैसे से करते थे। और जब प्लस टू के बाद हमने पैसा नहीं था, हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये जो टीचर का और जो ट्रेनिंग है उसमें ला दिया। उसके बाद हमारा सरकार के पास जो बैन था, जो जब जब के लिए बैन था, इसलिए हमने जुड़ गए हमारा ये जर्नलिज्म के लिए। हमने 1997 से 2001 तक हमने जर्नलिज्म किया, और उसके बाद हमने टीचर से किया। और टीचर को जब आने के बाद हमने सोचा, मैं जो जिस परिस्थिति में गुजरूँ, हमारा इलाका में जो परिस्थिति है, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा वहाँ पर STSC का डोमिनेटेड एरिया है, और उनका जो फर्स्ट लर्नर आते हैं हमारा पास, तो उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करना है? पार्ट तो केवल माने कक्षा में पार्ट पढ़ने से यथेष्ट नहीं होता है, इसलिए हमने उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल के लिए सक्षम उनको करने के लिए हमने बहुत सी इनोवेटिव एक्टिविटी किया, जैसे कि चाइल्ड रिपोर्टिंग है, बाल अदालत है, कोऑपरेटिव स्टोर है, हमारी बैंक है, उसके बाद पेंटिंग आर्ट पपेट शो, बहुत सी एक्टिविटी किया। उसके बाद पेडागोगी के लिए हमने बहुत अच्छे काम किया, जैसे हमारा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत है, तो ICT को कैसे प्राइमरी स्कूल में लाने के लिए हमने उसको क्या क्या जो इंटरनेट के जो इंटरनेट एसेसिबिलिटी है उसके वो इलाके गए और उसको डाउनलोड किया और कक्षा में लाकर उसको दिया, वो एक अनोखा था। और दूसरी है हमारा जो उड़ीसा का सबसे बड़ा ये जो ट्राइब होता है सौरा, उसका इड़ताल होता है, और डंगरिया कंध जो मैं ये पेन रखा हूँ वो डंगरिया कंध का है, इन आर्ट को हमने क्लास में लाया और 2 दीवार पे उनको संयोजित किया सब्जेक्ट के साथ, और कक्षा 1, 2, 3 बच्चों ने उसको पढ़ने, डिस्कवर करने, लिखने सबसे अच्छा किया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत काम किया है, और उस काम को आज जातीय स्तर से स्वीकृति मिला तो बहुत आनंद का विषय है। तो ये थे हमारे साथ द्विती चंद्र साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया है, और जिसे आज नेशनल स्तर पे जो है स्वीकृति मिली है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।